अब तक जिन्होंने क्रू मीडिया रूम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर पहले सब्सक्राइब कीजिए। और अगर हमारे चैनल की अपडेट को जानना चाहते हैं, तो उसके बगल में दिए गए बेल आइकॉन को दबाकर आप हमारी अपडेट की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, चेन्नई राधा इंजीनियरिंग वर्क संस्था की क्रू न्यूज की तरफ से आपका कंदस्वामी। आज का मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार है। बेस्ट सर्विस पार्टनर पुरस्कार के विजेता हमारे जासुड़ा सीपीपी के समूह। उच्च अधिकारियों से प्रशंसा पत्र हासिल किए हमारे वीआईपीएल इलेक्ट्रिकल के समूह। वेजल लोडिंग में फिर से प्रशंसा पत्र हासिल किए हमारे पीपीटी के समूह। गोल्डन स्टार पुरस्कार के विजेता हमारे ओएनडब्ल्यू विभाग। मई दिवस की विशेष समाचार। और अब समाचार विस्तार से। बेस्ट सर्विस पार्टनर पुरस्कार के विजेता हमारे जासुड़ा सीपीपी के समूह। हमारी संस्था लंबे समय की समस्याओं का समाधान किए जाने और उसे लागू करके अमल किए जाने में सर्वश्रेष्ठ है, और इसके प्रमाण के रूप में हमारे जासुड़ा सीपीपी साइट के ट्रैक होपर एरिया में वहां के होपर कंक्रीट की डिस्चार्ज माउथ पॉइंट में किसी प्रकार की क्षति होने के कारण उसकी वजह से निरंतर रूप से कोल स्पिलेज होने के साथ साथ कन्वेयर 0A 0B के पूरे मिडिल एरिया में कोल एकुमुलेट होने लगी थी, और उसकी वजह से उन दोनों कन्वेयरों को संचालित किए जाने में भी काफी समस्या उत्पन्न हुआ करती थी, और ये दिक्कत इसमें पिछले 2 सालों से थी। इस स्थिति को समझते हुए हमारे ऑपरेशन एनएच श्री जी जेवेल जी ने अपने साइट विजिट के दौरान रेजिडेंट मैनेजर श्री आर अशोक कुमार जी एवं डिप्टी रेजिडेंट मैनेजर श्री आर सरवणन जी और एचओडी श्री दिलीप जैना जी से उस कार्य को सम्पन्न किए जाने में किन किन साधनों की आवश्यकता है पहले उसके बारे में विचार विमर्श कर उसके पश्चात तुरंत उस कार्य से संबंध मैन पावर की व्यवस्था कर और उन पूरी जगहों को साफ किए जाने के लिए भी कुछ दिनों की समय अवधि निर्धारित कर और हाउसकीपिंग सुपरवाइजर श्री महेंद्र कुमार भरल जी को इस कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, और उसे एक चुनौती की भांति स्वीकार सुपरवाइजर ने तुरंत कार्य को शुरू कर निर्धारित किए कुछ दिनों की समय अवधि से पहले ही कार्य को संपन्न कर निरंतर रूप से वहां के देखरेख के कार्य को भी बेहतरीन तौर से करते आ रहे थे। पिछले 23/4/2019 को वेदांता संस्था के सीईओ श्री अभिजीत पति जी, प्लांट हेड श्री अजय पांडे जी एवं अपने समूह सहित पूरे सीएचपी में ऑडिट किए, और खासकर वे ट्रैक होपर के नीचे स्थित कन्वेयर 0A और 0B वाली जगह का ऑडिट किए, और वहां की पूरे जगहों की साफ सफाई को देखते हुए इसके लिए हमारी संस्था के कर्मचारियों की प्रशंसा किए जाने के साथ साथ बिजनेस एक्सेलेंस रिव्यू एवं 5 ईयर्स रिव्यू मीटिंग के दौरान इस बेहतरीन कार्य को किए हाउसकीपिंग सुपरवाइजर श्री महेंद्र कुमार भरल जी को सम्मान पत्र और हमारी संस्था को बेस्ट सर्विस पार्टनर ऑफ द मंथ का पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किए हैं। और इस कार्य के बारे में ऑपरेशन एचओडी श्री दिलीप जैना जी द्वारा बयान किए जाने पर, तो अब तक उस क्षति हुए होपर डिस्चार्ज माउथ पॉइंट कंक्रीट को ठीक नहीं किए हैं, मगर फिर भी मैकेनिकल एचओडी श्री सत्यराज जी ने उन पूरी समस्या वाली जगहों पर अपने समूह की मदद से उस दिक्कत से निजात पाए जाने के लिए वहां प्लेट्स लगाए जाने की बदौलत वहां होने वाले स्पिलेज को काफी हद तक कम किए जा चुके हैं, और लंबे समय से होने वाले कोल स्पिलेज को भी कर्मचारियों की बेहतरीन प्रयास की बदौलत दिए गए समय अवधि से पहले ही वहां की साफ सफाई किए जाना एवं रेजिडेंट मैनेजर और डिप्टी रेजिडेंट मैनेजर द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और ऑपरेशन एनएच श्री जी जेवेल जी द्वारा दिए गए प्रेरणा की बदौलत ही अब इस पुरस्कार को हासिल कर पाने में हमें सफलता हासिल हुई है, और इसे उन्होंने बेहद प्रसन्नता पूर्वक बयां किए हैं। उच्च अधिकारियों से प्रशंसा पत्र हासिल किए हमारे वीआईपीएल इलेक्ट्रिकल के समूह। हमारे वीआईपीएल साइट में डोजर शेड में स्थित ईओटी क्रेन को पहले वहां पूरी तरह से स्थापित नहीं किया गया था, और इसके कारण डोजर मेंटेनेंस के वक्त इस कार्य में अधिक मानव संसाधन एवं अधिक समय की भी आवश्यकता होती थी, और स्थिति को समझते हुए हमारे इलेक्ट्रिकल के समूह ने अब डोजर शेड में उन सभी ईओटी क्रेन और मोटरों की ओवरहॉलिंग किए जाने के साथ साथ अब वहां नए पैनल एवं ट्रेलिंग केबल को लगाकर उसे प्रयोग में लाए गए हैं। अब इसकी बदौलत अनावश्यक समय की बर्बादी एवं इस कार्य में होने वाले मानव संसाधन की आवश्यकता को भी काफी हद तक कम किए जा चुके हैं, और उसी प्रकार पहले साइट के
उन सभी LT एवं HT ब्रेकर को मैनुअल तौर से ही संचालित किया करते थे और इसकी वजह से ऑपरेटर्स द्वारा LT एवं HT ब्रेकर को ऑन ऑफ किए जाते वक्त तो ऐसे में वहां कोई भी अनहोनी होने पर तो इसकी वजह से कर्मचारियों को हानि पहुंचने की संभावना बनी रहती थी। और इसके लिए अब इलेक्ट्रिकल के समूह ने इसे PLC की सहायता से रिमोट द्वारा संचालित किए जाने के प्रकार इसमें बदलाव किए गए हैं और इसकी बदौलत अब कर्मचारियों की सुरक्षा में भी काफी सुधार किए हैं। और इन सभी महत्वपूर्ण कार्य की बदौलत मानव संसाधन एवं अनावश्यक समय की बर्बादी को नियंत्रण किए जाने के साथ साथ कर्मचारियों की सुरक्षा को भी अब पूरी तौर से सुनिश्चित किए गए हैं। और इन सभी महत्वपूर्ण कार्यों की प्रशंसा किए जाने के तौर से VIPL एडिशन वाइस प्रेसिडेंट श्री देवनाथ बॉयर जी ने हमारे इलेक्ट्रिकल के समूह को प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित किए हैं। और इलेक्ट्रिकल NH श्री V सेंदिलनादन जी, रेसिडेंट मैनेजर श्री जी मूर्ति जी ने भी इसके लिए इलेक्ट्रिकल के समूह की प्रशंसा करते हुए उन्हें मुबारकबाद और शुभकामनाएं दिए हैं। वेजल लोडिंग में फिर सम्मान पत्र प्राप्त किए हमारे PPT के समूह। हमारी संस्था ने पारादीप बंदरगाह में जिस दिन से कार्य लिया है उस दिन से आज तक वेजल लोडिंग में निरंतर रूप से कई प्रकार की उपलब्धियों को प्राप्त कर हमारी संस्था एवं बंदरगाह के लिए हमारा समूह गौरव हासिल करती आ रही है। और इसके प्रमाण के रूप में अब तक से ज्यादा तकरीबन 53,500 मेट्रिक टन क्षमता के कोल को MV होस्टन वेजल से डबल लोडिंग के प्रकार पिछले 23/4/2019 को एक ही शिफ्ट के अंदर लोडिंग कर पारादीप बंदरगाह के इतिहास में अब एक नई शिखर को हासिल किए हैं। और इससे पहले 10/12/2017 को तकरीबन 51,000 मेट्रिक टन कोल को एक ही शिफ्ट में लोडिंग किए जाना ही पारादीप बंदरगाह में उच्च स्तर की लोडिंग थी। और इस बेहतरीन कार्य को निर्धारित समय के अंदर बेहद सुरक्षा पूर्वक संपन्न किए जाने के लिए एवं 30:29 के अंदर MV होस्टन वेजल से तकरीबन 1,33,642 मेट्रिक टन कोल को पूरी तौर से लोडिंग किए जाने के लिए MV होस्टन वेजल के कैप्टन ने इसके लिए हमारी एवं पारादीप के समूह को प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित किए हैं। और हमारे PPT के समूह को ऑपरेशन NH श्री जी जेवेल जी, रेसिडेंट मैनेजर श्री रमेश जी एवं डिप्टी रेसिडेंट मैनेजर श्री HK मंडल जी ने भी इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए उनकी प्रशंसा करते हुए प्रोत्साहित किए हैं। गोल्डन स्टार पुरस्कार के विजेता हमारे O&M विभाग। हमारी संस्था में कार्य करने वाले वे सभी विभाग अपनी कठिन परिश्रम एवं कुशलता पूर्वक कार्य कर और अपनी नई नई योजनाओं की बदौलत कई उपलब्धियों को प्राप्त करते आ रहे हैं। और उनमें से बेहद बेहतरीन तौर से संपन्न किए उन कार्यों के लिए क्लाइंट की तरफ से इसके लिए पत्र एवं ईमेल द्वारा हमारी प्रशंसा करते भी आ रहे हैं। और सिर्फ वही नहीं, हमारी संस्था भी कर्मचारियों को प्रोत्साहित किए जाने के तौर से अपनी नई नई योजनाओं के माध्यम से कार्यभार, अनावश्यक खर्च एवं समय की बर्बादी पर नियंत्रण किए जाने वाले विभाग एवं हमारे सिस्टम प्रोसेस यानी KPI के उस टारगेट को भी निरंतर रूप से प्राप्त करने जैसे कार्य करने वाले उस विभाग की प्रशंसा किए जाने के रूप में उन्हें ये गोल्डन स्टार प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित करते आ रहे हैं। उस प्रकार पिछले मार्च महीने में हमारी संस्था द्वारा ये गोल्डन स्टार पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। मई दिवस की विशेष समाचार। मई दिवस श्रमिकों का सम्मान किए जाने का ये सौभाग्य दिवस है। मई 1 तारीख श्रमिक दिवस के शुभ अवसर पर संस्था की प्रगति के लिए निरंतर रूप से प्रतिदिन कठिन परिश्रम करने वाले उन सभी श्रमिकों एवं उनके सब परिवार को हमारी संस्था की तरफ से तहे दिल से आप सभी को मई दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और कर्मचारियों को अपने प्राण समझने वाली हमारी संस्था सिर्फ भारत में ही नहीं विदेशों में भी वहां अपने कार्य को शुरू कर और सभी कर्मचारियों की कुशलता के लिए कई विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं तैयार कर उसे बेहतरीन रूप से अमल करती भी आ रही है। और इसके साथ ही कर्मचारियों की समुदाय के लिए हमारी संस्था एक साथी के रूप में एक सेवक एवं एक रक्षक के प्रकार हैं। और उसे इस शुभ दिवस पर याद रखते हुए कर्मचारियां सभी प्रकार की सुख समृद्धि को हासिल कर खुशहाल तौर से जीवन यापन करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए इस मई दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और इसी प्रकार की कई नई खबरों के लिए हमारे क्रू न्यूज के साथ जुड़े रहिए। और अगर आप हमारी अपडेट की जानकारी को जानना चाहते हैं तो हमारे क्रू मीडिया रूम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।